रायपुर से लगे धरसीवा के साकरा सिलतरा स्थित क्षेत्र के सबसे बड़े जायसवाल निक्को स्टील प्लांट में हैड्रा चालक गणेश देवांगन की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी सुबह से जारी रहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही गणेश देवांगन अपने दो बच्चों, पत्नी और वृद्ध बीमार माँ का सहारा था, लेकिन इस घटना से उन चारों से उनका सहारा छीन लिया। मुआवजे की मांग पर प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। बिलासपुर में दो युवक बीच रास्ते में ही तलवार लहराकर जन्मदिन मनाने गए। दोनों ने अपनी कार को बीच रास्ते में खड़ा कर दिया था। इसके बाद दोनों ने तलवार से ही केक कटा। वहीं दूसरा युवक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरे भाई का बर्थडे है, आ जाओ सभी, और तलवार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। सूचना उसलापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। महासमुंद जिले के पटेवा पुलिस ने पटेवा थाना क्षेत्र के छिल्पावन स्थित ओम साई मेडिकल स्टोर के संचालक बलराम साहू को 50,000 रुपए कीमत के नशीली प्रतिबंधित दवाओं और 16,500 रुपए नकद व एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। जिला जेल महासमुंद से 8 सितंबर को कचरा फेंकने के लिए जेल से बाहर निकलकर जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार होने वाले आरोपी नकुल पटेल, जो एक साल की सजा काट रहा था, उसको मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की टीम ने पकड़कर कोतवाली थाने के हवाले कर दिया। धमतरी के महिमा सागर वार्ड में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति प्रमोद कुर्रे अपनी पत्नी फूल केसरी बाई के चरित्र पर शक करता था और बार बार दूसरी शादी कर लेने की धमकी देता। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता था। नाइट गश्त पर निकली चकरभाटा थाने की पुलिस ने थाने के सामने कोयला भरकर खड़ी ट्रक में अचानक लगी आग को तत्परता पूर्वक बुझाकर सूझबूझ का परिचय देते हुए बड़ी घटना को टाल दिया है। रायगढ़ की जूट मिल चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छातामुड़ा चौक के पास एक लाल रंग के मोटरसाइकिल में घूम रहे संदिग्ध युवक मोहम्मद आरिफ शेख को पकड़कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त किया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो अपने साथियों के साथ बाइक में बर्तन के बहाने सोने मकानों की रेखी करता था, फिर मौका देखकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन शुक्रवार को संभाग मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर विश्रामपुर और करंजी के बीच तकनीकी खराबी होने के कारण अचानक बंद हो गई। इंजन में करंट ही नहीं आ रहा था, इससे जंगल के बीच घंटों ट्रेन फंसी रही और यात्री परेशान रहे। कोरिया जिले की खड़गवा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात खड़गवा मुख्य मार्ग से 3 ट्रकों में कबाड़ स्क्रैप भरकर जा रहे ट्रक चालक को रोककर उनके पास से कबाड़ से संबंधित कागजात नहीं होने पर 3 ट्रकों में लोड 21 लाख कीमत का 56 टन कबाड़ जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर दहशत और गुंडागर्दी के लिए सुर्खियों में है। बीती रात यहां पर काम से वापस आ रहे युवक पर 3 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। लड़के के सिर में भारी चोटें आई हैं। पुलिस ने इन मामले में मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। कवर्धा जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना विशेषरा में अस्थायी कर्मचारियों से ठगी का मामला सामने आया है। मामले में कारखाने में पदस्थ केमिस्ट और उसके बेटे को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। केमिस्ट ने अपने बेटे का सहकारिता मंत्री से परिचय होने बताकर नौकरी को स्थायी कराने कर्मचारियों से 18 लाख की ठगी की थी। बालोद जिले के शासकीय हाई स्कूल भरदा के छात्र छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में दोपहर को विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक छत से प्लास्टर छात्र के बगल में ही गिरा। गनीमत रही कि प्लास्टर छात्र के ऊपर नहीं गिरा, इसलिए बड़ी घटना नहीं हुई। इसके बाद तुरंत पढ़ाई कर रहे छात्रों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर उपचुनाव मतदान को महज 2 दिन शेष है। इसी बीच नक्सलियों द्वारा पीएलजीए की 82वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान करते हुए शुक्रवार को जियो टावर को आग के हवाले करते हुए दहशत फैलाने का प्रयास किया है।
शुक्रवार को चरामा से लगे ग्राम जैसा कर रखे बड़े पारा में 4,68,000 रुपए कीमत का 107 पेटी देसी शराब पकड़ाई है। इस चुनावी माहौल में भारी तादाद में शराब पकड़ने की खबर से चुनावी गलियारों में हड़कंप मच गया। गांव-गांव में अवैध तरीके से शराब पहुंचाए जाने की खबर है, जिसे मतदान दिवस के एक दिन पहले तक हटा दिया जाएगा। कांका जिले के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतदान के लिए केवल 3 दिन का समय बचा है। इस बीच शुक्रवार को 68 पेटी अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया। भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को धान के पैरे के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी दिखी तो उन्होंने पुलिस को उसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तो पैरे के नीचे से और वाहन में रखी कुल 68 पेटी शराब के साथ पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। जगदलपुर से 11 किलोमीटर दूर ग्राम मालगांव में हुई छुई खदान धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मालगांव में एक छुई खदान है, यहां पर कई ग्रामीण काम करते हैं। काम के दौरान अचानक खदान धंस गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू जारी किया, कई घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। सीएम भूपेश बघेल ने मालगांव खदान हादसे के मृत 7 श्रमिकों के परिजनों को 4,00,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दरअसल घटना जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर मालगांव की है। जानकारी के मुताबिक मालगांव में एक छुई खदान है, यहां पर कई ग्रामीण काम करते हैं। काम के दौरान अचानक खदान धस गई थी।